तो बड़ी बहस हो रही है क्या भारत में इस्लामोफोबिया। एक दर्शक ने मेरे पास मैसेज भेजा है, अब बहस के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने कहा प्लीज पूरे पैनल को दिखाइए। तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं, जाने माने लेखक और पत्रकार। इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सैयद शहनवाज हुसैन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने बहस में कहा था वो कि तारिक मियां पाकिस्तान के गद्दार हैं तो मुसलमान कैसे। मेरा दर्शक सवाल पूछ रहा है तो क्या जो पाकिस्तान के वफादार होते हैं वो मुसलमान होते हैं। मैं इस पर आऊंगा लेकिन तारिक फतेह साहब पहले आपका जवाब, फिर मैं इस मुद्दे पर आऊंगा कि क्या पाकिस्तान से वफादारी मुसलमान होने का पैमाना है। तारिक फतेह साहब सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अपने मुल्क से जो गद्दार है उसके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में मुल्क का क्या नाम था जरा मौलाना से पूछिए, हिंदुस्तान। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने पाकिस्तान कहा था। चोर वो हैं, गद्दार वो हैं जो पाकिस्तान की बात हिंदुस्तान में कहते हैं और सर पे टोपियां ओढ़ लेते हैं कि हमें कुछ नहीं कहना क्योंकि हम कहेंगे तो आप इस्लामोफोब हैं। अरे भैया यहां तो सैयदों को पनाह मिली, ये हिंदुस्तान था। क्या बेवकूफी है मौलाना साहब, कुछ किताबें भी पढ़ लिया करें कभी, सिर्फ मस्जिदों में बोलना आता आपको। आप मुझे बताइए प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में मुल्क का नाम क्या था। उसके बाद मौलाना साहब हिंदुस्तान, शहनवाज भाई फिर हिंदुस्तान, देयर वाज नो पाकिस्तान ड्यूरिंग प्रॉफिट्स टाइम। बात करते हैं बैठ के, शैतान से पाकिस्तान बनवा दिया और फिर कह रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अरे हूं, कह रहा हूं मैं दुश्मन हूं पाकिस्तान का। आपको मोहब्बत है चले जाइए वहां। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, जवाब मुझे ये भी बताइए, आपने पैमाना बता दिया और दीपक भाई मैं जवाब दे दूं, प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त मुल्क हिंदुस्तान का पाकिस्तान। मैं जवाब दे रहा हूं, कम्युनल लोगों ने, मैं जवाब दे रहा हूं, जिन्ना ने बनवाया। जवाब दीजिए इलियास भाई, आपके पास आऊंगा, सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी का ऑडियो जवाब दीजिए। आपने इनका पैमाना बताया कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं इसलिए मुसलमान नहीं है, क्या पाकिस्तान का वफादार होना दीपक भाई मुसलमान होने का, दीपक भाई मुसलमान होने का सबूत है? मैं नहीं, मेरा दर्शक पूछ रहा है। हाँ सुन लीजिए, तारिक फतेह ने ही मेरा जवाब दे दिया। सुनिए सुनिए, तारिक फतेह ने ही मेरा जवाब दे दिया और आपका भी जवाब दे दिया। तारिक फतेह साहब ने यह कहा है कि मोहम्मद, प्रोफिट मोहम्मद ने यह कहा है कि जो अपने मुल्क का गद्दार है वो मुसलमान नहीं है। तो आज पाकिस्तान एक मुल्क है कि नहीं है? तारिक फतेह इसका इनकार करें पहले कि पाकिस्तान मुल्क नहीं है। आप मानते हैं जब ये पाकिस्तान के गद्दार हैं तो फिर मुसलमान कैसे हैं मुझे बता दीजिए। आप दूसरी बात सुनिए, झूठे हो आप, दूसरी बात सुनिए। अरे छोड़िए तारिक साहब, आप किताबें पढ़ा कीजिए, आप पढ़ा कीजिए किताबें, इस्लामी तारीख को आप पढ़िए। आपको नहीं पता कुछ भी, आपने उम्र गवा दी वहियात में, आपने वहियात में उम्र गवा दी अपनी। आप सुनिए मेरी बात, मैं समझता हूँ, सुनिए मेरी बात। अब दीपक चौरसिया आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा क्या वही मुसलमान है? सुनिए, अरे मेरे भाई आप एक नहीं संभाल सकते, दो तीन की बातें कहाँ कर रहे हो आप? तो एक नहीं संभाल सकते, दो तीन की बातें कहां कर लोगे आप? एक ही संभालता है इंसान। सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए अपने मुल्क से मोहब्बत करना, तीन तलाक की डिबेट में आपने कहा था कि मेरी तो कई बीवियां हैं, मुझे याद है। दीपक, दीपक मुझे बताओ, एक तरफ आप सवाल ठोक रहे हो, एक तरफ तारिक फतेह, मैं जवाब किसका दूं? मैं खामोश हूं। दीपक चौरसिया का जवाब दूं, तारिक फतेह का जवाब दूं? मैं खामोश हूं, एक मिनट। पहले आप तय कर लीजिए सवाल कौन करेगा मुझसे। मैं खामोश हूं, एक मिनट आपके। उन्होंने पूछा, मैंने सप्लीमेंट मेरा जवाब सुनिए, मैं खामोश हूं, एक मिनट। आपने एक सवाल मुझसे ये किया कि क्या पाकिस्तान से वफादारी ईमान का हिस्सा है? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने एक सवाल पूछा, आपके दर्शक ने पूछा है कि क्या पाकिस्तान से वफादारी ईमान का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोफिट मोहम्मद ने यह कहा है कि अपने मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है, अपने मुल्क से वफादारी। अब वो चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, ईरान में हो, सऊदी में हो, नेपाल में हो, या किसी भी देश में हो, अपने मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है।
भगोड़े को क्या पता भाई, उनको मुझे अरे भीख मांग रहे हो हमसे आप, पाकिस्तान भीख मांग रहे हो आप हमसे, आप पाकिस्तान के खिलाफ सवाल, आप इंडियन नेशनलिटी की भीख मांग रहे हो हमसे, एक मिनट सुनिए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। सवाल सुनिए मेरा, सवाल सुनिए भाई। पाकिस्तान हम मानते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान ने कम्युनल लाइन को बना, हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए 1947 में, आप उससे मोहब्बत नहीं करते, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ, हमारे खिलाफ चार चार लड़ाई लड़ी, अगर तारिक फतेह साहब ने उस देश के खिलाफ खड़े हुए तो ये तो हमारे दोस्त होने चाहिए, आपको तो तारिक फतेह साहब के स्वागत करना चाहिए। आप उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये बता रहे हैं कि वो गद्दार, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ है इसलिए वो मुसलमान नहीं है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मौलाना साजिद रशीद, सुनिए फिर भी बताता हूँ कि लोग, सुनिए फिर भी बताता हूँ, ना एक मिनट, सवाल गलत है तो सुनिए फिर भी बताता हूँ, मैं मान रहा हूँ भाई आप मेरे जज हैं, आपने कहा मेरा सवाल गलत है, मैं सवाल वापस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मत दीजिए जवाब। अब मैं फिर भी जवाब देता हूँ, कैसे चलती आपकी बात, वो शाहीन बाग से चलती है, सुनिए मैं फिर भी जवाब देता हूँ, मैं तारिक फतेह की बात का जवाब देता हूँ, सुनिए, राष्ट्र विरोधी गलतियों को इस्लाम, मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया, जवाब क्या दे रहे हैं, छुपा दिया जाता है। अब मैं बताता हूँ कहाँ से ये नैरेटिव चला, पहले पाकिस्तान ने चलाया कि मौलाना साहब को परेशान किया जा रहा है, दीपक चौरसिया आपने एक मिसाल सुनी है, सीएए और एनआरसी के फल वाले पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं, कई लोग बयान देते हैं, आपने कभी राय देते हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई शायद कई बार सुना होगा आपने ये, मौलाना साजिद रशीदी आप ही को एग्जांपल दे रहा हूं, एक फल वाले पेड़ को ही पत्थर मारे जाते हैं, मैं आऊंगा, आपने बहुत बार सुना होगा, हमें जो टारगेट किया जा रहा है मजनू का, इस्लाम को जो टारगेट किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए जो मैंने कहा है। सर मैंने तो वो गाना सुना है, मेरा पत्थर मारे जाते हैं, मुझे तो वो गाना सुना है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की कसम खाने को, हमारा जमीर तो जो है मुल्क की कसम खाने को राजी है, और ये बोलते हैं गाना गा के सुनाए, मैं तो आपका दीवाना नहीं हूँ दीपक जी, अरे मैं इस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मुल्क का दीवाना हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कहानी सुना रहे, तारिक फतेह आपका दीवाना हो सकता है, आप खलीजी जंग में जब आप काम कर रहे थे ईमानदारी से, मैं आपका दीवाना था, आज आप मोदी भक्त हैं और अंधे भक्त हैं, मैं आपका दीवाना क्यों बनूं भाई, ये होना चाहिए ना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अरे भाई मौलाना साहब ने थोड़ी किया है तो हमने किया है, ये हमसे पूछते लैला मजनू की कहानी एक इमाम साहब से क्यों पूछ रहे हैं ना, अच्छा सिर्फ शहनवाज भाई का ऑडियो, इलियास भाई बीच में नहीं, अब आपके ही पास आ रहा हूँ, इलियास भाई गला खराब हो गया आपका, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इलियास भाई गला खराब हो रहा है वाकई आपका, अच्छा गर्म पानी पीजिए अब आप, देखिए इलियास भाई को मैं एक दवा, एक डॉक्टर मुंबई में है बॉम्बे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी डॉक्टर है, थोड़ा गला दिखवाइए, प्रमोद महाजन जी ने दिखवाया था, मैंने भी एक बार दिखवाया था, और इलियास भाई आप अपनी बात को ना बहुत खामोशी से अच्छे शाइस्तगी से कहिए, आपकी उम्र है आप इतना जोर से बोलते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है और कौम का होता है, आप ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि पूरी कौम का नुकसान होता है, सवाल ये है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, अगर तारिक फतेह बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो हम लोगों को खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए, तारिक फतेह पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं और उनका पासपोर्ट अभी कनाडा का है, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है उनके पास, उनको जबरदस्ती आप पाकिस्तान से क्यों जोड़ते हैं, वो तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता वाला लोग हैं, और आपको मैं बता दूं क्या अल्ताफ हुसैन जो कौमी मुजाहिर मूवमेंट का जो सदर है जो इंग्लैंड में रहता है उसने भी कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, वो भी तो पाकिस्तानी, उनकी तो एमक्यूएम वहां पर बहुत बड़ी है, अगर वो भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो आपको उससे मोहब्बत होगी या नफरत होगी, पहले बात तो डिबेट, एक जब डिबेट हो रही है हम चार ही लोग हैं, अगर अपनी अपनी बारी में बोलेंगे अच्छी बात बोलेंगे, और आप ये समझ लें कि आज सवाल ये है कि हिंदुस्तान जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है
इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं साजिद रशीदी साहब, और आपको इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है। हम इसका तो कोई चुनाव होता नहीं, जैसे हम लोग 3 बार MP चुनकर आए। स्कॉलर तो दीपक चौरसिया जी ने आपको बनाया है, तो आपकी बात से तो हम सीखेंगे ना। आप ऐसी बातें कहिए, क्योंकि आप पूरी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो BJP को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है, आप ऐसी बात बोलें जिससे इस्लाम के मानने वालों का इस्लाम में और आप में भरोसा जगे। आप ऐसी बातें बोलते हैं कि लोग और इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, शहनवाज भाई जवाब ले लेते हैं। इलियास भाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है और पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का, एक मिनट आपको मिलेंगे, जवाब दीजिएगा। देश में इस्लामोफोबिया नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को मोदी फोबिया है। और मोदी फोबिया, भारत दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश आज भी भारत है। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, शहनवाज भाई कंक्लूड करिए। मोदी फोबिया है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को अपना आदर्श मानते हैं। माफ कीजिएगा इलियास भाई, बड़े सारे फोटे उनके आपके साथ। दीपक चौरसिया को है उतना हक साजिद रशीदी, इलियास साहब और शहनवाज हुसैन को है। पहली बात तो ये है कि हमारा आदर्श पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी बात, इस देश से नहीं है, इस देश से नहीं है, इस देश से नहीं है, इस देश से नहीं है। ना ना जवाब दीजिए इलियास शराफुद्दीन, इस देश से नहीं है। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए, इस देश से है कि नहीं मोहब्बत, जवाब दीजिए। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए, इलियास शराफुद्दीन को ऑडियो डाउन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इलियास भाई जवाब दीजिए, आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद से मोहब्बत होगी, इस देश से है कि नहीं, ये बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। आप ऑडियो ऑफ करिए उनका। अरे मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपको पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत है, बड़ी अच्छी बात है। आपको इस देश से मोहब्बत है कि नहीं, आपको इस देश से मोहब्बत है कि नहीं, ये बताइए, आपको इस देश से मोहब्बत है कि नहीं। मैं तो पाकिस्तानी टोपी पहन ली, तब क्या मोहब्बत है? अरे भाई ये बोलते नहीं है, नारे लगा रहे हैं। अरे इलियास भाई, अरे आप जवाब ही नहीं दे रहे, आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है कि नहीं, जवाब दीजिए। दीपक जी, स्कॉलर का नारा लगाएंगे और बोलेंगे नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इलियास भाई, इलियास भाई, तारिक फतेह साहब का जवाब ले लेते हैं। आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अपने ऑडियो को खुद पर बढ़ा देते हैं। तारिक भाई, तारिक सर जवाब दीजिए, फिर मौलाना साजिद रशीदी के पास जाओ। साजिद रशीदी साहब की आवाज समझ में आ रही है, इनकी तो बात ही। देखिए, एक सीधी सवाल इनसे ये पूछे कि ये पाकिस्तानी टोपी पहन के हिंदुस्तानी टीवी शो पे क्यों आए? ये आपको पता है ये टोपी किसकी है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया था जम्मू कश्मीर में पश्तून ट्राइब्समैन का, आज वो नजर आ रहा है। आप सोचिए क्या जहन में गुजरा होगा कि गांधी के अपनी पे नेहरू जी की टोपी नहीं पहनी, किसी की टोपी नहीं पहनी, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की टोपी पहन के हिंदुस्तान में इस्लाम बता रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि यू आर डीलिंग विद पीपल हु हैव रेड नथिंग इन देयर लाइव्स। आप इनसे पूछिए आखिरी किताब कौन सी पढ़ी इन्होंने, खत्म सवाल वहीं खत्म होगा। ना इनको भूटान का पता, ना सिक्किम का पता, ना लद्दाख का पता, ना चीन का पता, ना पाकिस्तान का, बस बोले जा रहे हैं। इनका खून खौलता है कि क्यों मुसलमान आजाद है हिंदुस्तान में। ये टोपी देखिए भाई, टोपी उतारे, टोपी टोपी की वजह से आप बोल नहीं पा रहे। ठीक ठीक है, मैं सबूत दिखाता हूँ कि कुछ लोगों को पाकिस्तान से प्रेम क्यों है। इसमें जफरुल इस्लाम भी हैं, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, आगे क्या होगा हम नहीं जानते। अरुंधति राय जैसे लिबरल्स भी हैं, उसमें कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो जामिया के गेट पर जाकर प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। मुझे प्रदर्शनों से कोई विरोध नहीं है। सबसे पहले अरुंधति राय का ट्वीट, उन्होंने नाजी बताया भारत के कुछ नेताओं को, वही बात इमरान खान ने लिखी। आगे चलिए, अगला ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। अगली बात है शशि थरूर की। शशि थरूर ने 1 मई को क्या कहा? शशि थरूर ने 1 मई को कहा, मुस्लिम तब तक देश, जब तक देश से बाहर है तब तक तो प्यारा है,
लेकिन देश में मुसलमानों के साथ क्या होता है बताइए। आगे चलाइए अगली प्लेट फिर से आप चला दीजिएगा, लेकिन देश के अंदर मुसलमानों के अपमान की प्रवृत्ति खतरनाक है। यही बात इमरान खान लिख रहे हैं, भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक हो रहा है और कश्मीर इसका उदाहरण है। अगली लाइन भी दिखाइए इनकी। चलिए इतना ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए सर, ये इस्लामोफोबिया पाकिस्तान की लाइन मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग क्यों टो करते हैं? आपने कहा ना पाकिस्तान के साथ हमको मत जोड़िए, मैं तो सबूत दिखा रहा हूं ये लाइनें बोलते हैं लोग यहां पर, और आप जैसे लोग बोलते हैं, आप जैसे लोग जिन जलसों में खड़े होते हैं वही ये लाइनें बोली जाती हैं जो पाकिस्तान बोलता है। अब मेरी मैं जवाब दे दूं सर? जवाब के लिए बोला है सर, मैं चुप रहता हूं, आप 20 सेकंड खाते हैं सर, टीवी समझिए ना थोड़ा। दीपक चौरसिया जी, मैं जवाब दे दूं सर? दीजिए ना सर, सवाल जवाब के लिए पूछा। बोलिए बोलिए। अच्छा सुनिए 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 जवाब सुनिए। मैं आज भी शाहनवाज भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, हिंदुस्तान के सारे इमाम अगर हिंदुस्तान की हुकूमत इजाज़त दे तो पाकिस्तान के खिलाफ आज भी लड़ने को तैयार हैं। सबसे पहले इलियास भाई से पूछिए लड़ेंगे? आप इजाजत दिलवा दीजिए। सबसे पहले पूछिए इलियास भाई से लड़ेंगे? सबसे पहले इलियास भाई से आपके बगल में बैठे, चलिए फिर देखेंगे किसको मोहब्बत। आपको किसने रोका? फिर आपको पता चले। नहीं नहीं नहीं, फिर आपको पता चलेगा। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए यार, अब आप चिल्लाने शुरू करेंगे। अरे मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, इलियास शराफुद्दीन उनका मौका नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा था इलियास भाई से, पूछ लेना लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी को ऑडियो कंप्लीट करिए मौलाना साहब। अरे मेरे भाई, मेरी पूरी बात हो जाए। करिए करिए करिए। मेरी देखिए, मैं तो सुनिए सुनिए, मैं मोदी जी को एक बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। इलियास भाई से पूछ लो, मानते हैं क्या? अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़े। हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान का हर नागरिक उनके साथ है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए दीपक चौरसिया जी, पाकिस्तान को मिटवा दीजिए। जल्दी वो वक्त आएगा मौलाना साजिद रशीदी, चिंता न करिए। पाकिस्तान अपने अंतर कलों में खुद ही मिट जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये आदमी चिंता नहीं करिए, हो जाएगा जल्दी। कंक्लूडिंग कमेंट तारिक फतेह साहब। यार ये कहां से बोल पड़ता है? हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। मैंने सिर्फ दो सवाल पूछे थे इलियास भाई से, पूछा कि आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन चिल्लाने लगे। मैंने दूसरा सवाल पूछा, आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, क्या इलियास भाई लड़ेंगे? जैसे आदमी को भी काम में ले लीजिए, क्योंकि इनको भी काम में ले लीजिए। आपको लगता है आने वाले समय में अगर इस को भारत से हटाना है तो क्या करना होगा बताइए? जी देखिए, इस वक्त जो बर्रे सगीर हिंद है उसमें बलूचिस्तान के अंदर 50 मिलियन मुसलमान पाकिस्तान फौज के अंडर हैं। मुझे बताइए, कोई मौलाना पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके किसी ने प्रोटेस्ट किया है? इस वक्त 10 लाख मुसलमान चीन के अंदर जेलों में बंद हैं। इनमें से किसी मुल्ला ने जाके चाइनीज एम्बेसी के सामने खड़ा होकर मुजाहरा किया है? नहीं, क्योंकि इनका जो हार्ड वायरिंग है वो इस्लामाबाद से चलती है। कोई कनेक्शन ना भी हो, इनका दिल धड़कता है पाकिस्तान से, तभी इनकी नफरत मुझसे है। वरना इनको कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि कोई शख्स प्रो इंडियन हो, नायपॉल हो, कोई भी हो, दुनिया भर में हिंदुस्तानी हैं जो पैदा भी नहीं हुए वहां, फिजी में हैं, मॉरिशस में हैं, जो हिंदुस्तान को सर आंखों में बिठाते हैं, ये उनके दुश्मन है। दूसरी चीज ये, अरे भाई चुप करना यार, सिर्फ तारिक साहब 30 सेकंड है मेरे पास कंक्लूड करने के लिए, सिर्फ तारिक भाई का ऑडियो और 30 सेकंड शहनवाज भाई के पास। अगर इनको जाके पाकिस्तान से लड़ना है तो ये खुद जाके खुद लड़ें, इजाजत ना मांगे। इनके आतंकवादी मुसलमान जो आके कश्मीर में 1990 में हिंदुओं को मार के गए, क्या मौलाना वहां गए उनसे लड़ने? क्या बांग्लादेश में जब 30 लाख मुसलमान मारे गए तो मौलाना कहां थे? इनसे पूछिए ये कहां थे जब बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ? ये सब प्रो पाकिस्तान थे, इनके घरों में पाकिस्तान के झंडे लगे थे। क्या बात कर रहे हैं, हमें सब पता है। चलिए तारिक साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमांड के बाद मैं शहनवाज भाई के पास जाता हूं। शहनवाज भाई, आखिर ये प्रोपेगेंडा क्यों इस देश के अंदर? मैंने तो आपको एग्जांपल दिखा दिया शो के अंदर। 30 सेकंड। देखिए, कोई हिंदुस्तान में
सबसे दुनिया में सुरक्षित मुसलमान यही है। कुछ लोग हमारे मुल्क में भी जो टीवी पे आप बुलाते हैं, वो जो कुछ बयान देते हैं उससे पूरे इस्लाम के मानने वालों को नुकसान होता है। तो दीपक जी, ये जो जिस तरह की बातें ये लोग आके करते हैं, दुखद है। मैं मानता हूँ अपने मुल्क से मोहब्बत करिए, और मुल्क के जो हमारे मुल्क से मोहब्बत करे उससे भी नफरत मत कीजिए। अगर दुनिया में कोई भी हमारे हिंदुस्तान की आवाज में आवाज मिला रहा है, तो उससे आपको नफरत क्यों है? तारिक फतेह साहब अगर कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या नाराजगी है? तारिक फतेह साहब ने तो कनाडा का पासपोर्ट लिया है, और वो अपने आप को पुराना हिंदुस्तानी मानते हैं। इस मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन उन्होंने बंटवारे को नहीं माना। अभी भी बहुत से अल्ताफ हुसैन हैं एमक्यूएम के, और बहुत से मुजाहिर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। आज पाकिस्तान में उन पर जुल्म हो रहा है, बलूचों पर जुल्म हो रहा है, मुजाहिरों पर जुल्म हो रहा है, और आप तो कितना है? और दूसरी बात यह है, इलियास भाई अपना गला दिखाइए। आप तो जब भी बोलते हैं सेल्फ गोल मारते हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के मानने वालों का नुकसान मत कीजिए। ठीक है, मैं इसी नोट पर इस बहस को यहाँ पर कंक्लूड करूंगा। मेरा ये मानना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमको थैंकफुल होना चाहिए कि भारत जैसे महान देश में हम पैदा हुए हैं, जिसकी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी है। 10,000 साल पहले का इतिहास भारत में मिलता है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और ये वही देश है जिसने दुनिया को सबसे पहले जीरो दिया, ये वही देश है जिसने दुनिया को सबसे पहले दशमलव दिया। ये दोनों अक्षर नहीं होते ना, तो चांद तारों पर जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।